So hi everyone and a very good evening to all of you. Welcome back once again to the channel. So as you all know, very recently Pratham NGO has released their annual status of education report for the year 2021. This was the 16th edition that was launched by Pratham NGO. And I should not tell you that kitna important hai ye annual status of report, annual status of education report 2021 har exam mein. चाहे वो कोई भी एग्जाम है, आरबीआई से भी, नबार्ड, यूपीएससी, हर एग्जाम में इस रिपोर्ट से क्वेश्चंस आते हैं. ओके, सो इन टुडे सेशन आई विल ब्रिंग टू यू द डिटेल्स ऑफ दिस रिपोर्ट. लेट्स टॉक अबाउट दिस रिपोर्ट, एनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट 2021. एंड यू विल गेट दिस पीडीएफ इन द टेलीग्राम चैनल एंड द लिंक ऑफ दैट टेलीग्राम चैनल इज इन द डिस्क्रिप्शन. ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स टॉक इन ब्रीफ अबाउट व्हाट इज दिस रिपोर्ट, व्हाट दिस रिपोर्ट टॉक्स अबाउट एंड who, which organization releases this. So as I already told you, the organization is what? An NGO which is known as Pratham. And this report is being released starting from the year 2005. 2005 se lagataar ye report release hoti aayi hai. Now remember, it is a citizen-led household survey. Citizen-led household survey that provides estimate of children's schooling status and their foundation reading and arithmetic skills. तो कीवर्ड्स को पकड़ के चलो बस, ठीक है. अगर मान लो कि कभी आपको आंसर राइटिंग में इसका यूज करना पड़े, एंड इफ एनीवन आस्क यू दैट व्हाट इज दिस एएसईआर, एनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट है क्या, क्या बताता है, सो जस्ट रिमेंबर द कीवर्ड्स इन दिस केस. इट इज अ सिटीजन लेड हाउसहोल्ड सर्वे दैट प्रोवाइड्स एस्टिमेट्स ऑफ चिल्ड्रंस स्कूलिंग स्टेटस एंड देयर फाउंडेशनल रीडिंग एंड अरिथमेटिकल स्किल्स. दैट्स इट. ये तीन चार कीवर्ड्स हैं, इनको याद रखोगे तो आप इजीली डिफाइन कर सकते हो दैट व्हाट इज दिस रिपोर्ट, ये रिपोर्ट आखिर है क्या और ये हमें क्या बताती है. ऑलराइट, एंड एज आई टोल्ड यू, इट इज बीइंग रिलीज्ड एवरी ईयर बाय प्रथम एनजीओ. 2005 से 2014 तक लगातार आते रहे, उसके बाद दो साल में एक बार आ रही है ये रिपोर्ट. नाउ दिस इज द 16th एडिशन, दिस रिपोर्ट इज द 16th एडिशन एंड इट वॉज अ फोन बेस्ड सर्वे ड्यू टू ऑफ कोर्स वी ऑल नो कोविड रेस्ट्रिक्शंस की वजह से ये जो सर्वे था ये फोन बेस्ड सर्वे था. 2020 में भी फोन बेस्ड सर्वे ही हुआ था एंड दिस ईयर आल्सो इट वाज अ फोन बेस्ड सर्वे 2021 में भी. ऑलराइट, नाउ रिमेंबर इट यूजेस सेंसस 2011 एज द सैम्पलिंग फ्रेम एंड इट हैज रिपोर्टेड ऑन द स्कूलिंग स्टेटस ऑफ चिल्ड्रन इन द एज ग्रुप ऑफ 5 to 16. कौन कौन से बच्चे लिए हैं, 5 से 16 साल तक के बच्चे अक्रॉस रूरल इंडिया एंड देयर एबिलिटी टू डू बेसिक रीडिंग एंड अरिथमेटिक टास्क. ठीक है, so basically the children, if anyone asks you that ki kaun se group okay bacche liye the, kaun se age group ke bacche liye the, so the answer would be 5 to 16 aur kahan se liye the, pure rural india se. theek hai, to ye baat bahut important hai yahan pe yaad rakhna. is report mein only the rural india is considered, keval rural india ki baat inhone kari hai. all right, so this is the brief introduction. now let's talk about the survey coverage. कितने डिस्ट्रिक्ट में, कितने स्टेट्स में, कितने यूटीज में, कितने विलेजेस में, कहां कहां क्या क्या हुआ है वो बात करते हैं. सो रिमेंबर द सैंपल हैज बीन टेकन फॉर दिस सर्वे फ्रॉम 25 स्टेट्स, 3 यूटीज एंड 581 डिस्ट्रिक्ट्स. अगर आपको दिखाई नहीं दे रहा है तो मैं लिख देता हूं, 25 स्टेट्स, 3 यूटीज एंड 581 डिस्ट्रिक्ट्स. ठीक है, इतने स्टेट्स, इतने यूटीज और इतने डिस्ट्रिक्ट से डेटा लिया गया है. देन हाउ मेनी विलेजेस आर कवर्ड, 17,184 villages were covered in this survey. How many households were surveyed? 76,706 households were surveyed. Now, how many children the survey reached? How many children? 75,234. Okay, and how many schools surveyed? 7,299. Okay. Now you must be wondering कि क्या हमें ये सारे numbers याद करने हैं? The answer is no. You just have to remember this number. In how many states? 25. In how many UTs? 3. In how many districts? 581. So you just have to remember these three numbers: 25 states, 3 UTs, and 581 districts. All right. बाकी सारे numbers याद रखने की there is no need. Now. लेट्स मूव अहेड टू द की हाइलाइट्स ऑफ द रिपोर्ट्स देन. ठीक है, और अलग अलग जो इंडिकेटर्स हैं उसकी हम बात करते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स टॉक अबाउट द स्कूल एनरोलमेंट पैटर्न्स. सबसे पहले बात करते हैं स्कूल एनरोलमेंट पैटर्न्स की, और उसमें भी अलग अलग हेडिंग्स हैं.
सबसे पहली चीज और जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है और इसमें से ही क्वेश्चन एग्जाम में आने वाला है डेफिनेटली, एट ऑल इंडिया लेवल देयर हैज बीन अ शिफ्ट फ्रॉम प्राइवेट स्कूल्स टू गवर्नमेंट स्कूल्स। मतलब ये देखा गया है इस रिपोर्ट से कि स्कूल जो बच्चे हैं वो प्राइवेट स्कूल से गवर्नमेंट स्कूल की तरफ अब मूव ऑन कर रहे हैं धीरे धीरे, एंड दिस इनफैक्ट इज ड्यू टू वेरियस रीजंस। लाइक कुछ एक रीजन ये बताया जाता है बिकॉज कोविड के टाइम में पेरेंट्स को ये लगता है कि भाई इतनी सारी फीस हम प्राइवेट स्कूल में क्यों भर रहे हैं जबकि ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं, एक ये रीजन है। दूसरा रीजन ये है कि यस इंडीड कई स्टेट्स ऐसे हैं जो कि जहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट्स काफी अच्छा काम कर रही हैं, लाइक फॉर एग्जांपल दिल्ली। दिल्ली में जो गवर्नमेंट स्कूल्स हैं वो काफी ज्यादा इंप्रूव हो चुके हैं, उड़ीसा के गवर्नमेंट स्कूल्स काफी ज्यादा इंप्रूव हैं। सो इस ये भी कुछ रीजंस हैं जिसकी वजह से जो स्टूडेंट्स हैं जो बच्चे हैं वो प्राइवेट स्कूल से गवर्नमेंट स्कूल्स की तरफ स्विच कर रहे हैं। एंड इफ आई टॉक अबाउट द एग्जैक्ट परसेंटेज, सो परसेंटेज ऑफ एनरोलमेंट इन प्राइवेट स्कूल फॉर चिल्ड्रन बिटवीन द एज ग्रुप ऑफ 6 and 14 हैज डिक्लाइंड। परसेंटेज ऑफ एनरोलमेंट इन प्राइवेट स्कूल हैज डिक्लाइंड। इन द ईयर 2018 इट वाज 32.5%, व्हाइल इन द ईयर 2021 इट हैज बीन डिक्रीज टू 24.4%, जो कि काफी बड़ा डिक्रीज है, अराउंड ऑलमोस्ट 8-10% का इंक्रीज है। Then enrollment in government school, of course, if the enrollment in private school has declined, so enrollment in government school must be increased. So it has been increased from 65.8% in the year 2020, the last year, to 70.3% in this year 2021. Very very important data. ये बहुत ज़्यादा important data है, इसको आपको याद रखना है। Private school का decline percentage भी याद रखना है, and government schools का increase वाला percentage भी याद रखना है। इन प्राइवेट स्कूल 2018 में 32.5% 32.5 एंड इन द इट हैज बीन डिक्लाइन टू 24.4% इन द ईयर 2021, व्हाइल द एनरोलमेंट इन गवर्नमेंट स्कूल्स हैज इंक्रीज्ड फ्रॉम 65.8% इन द ईयर 2020 टू 70.3% इन द ईयर 2021, राइट? एंड बॉयज आर मोर लाइकली टू बी एनरोल्ड इन प्राइवेट स्कूल देन गर्ल्स, दिस रिपोर्ट सेज दिस। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द नो चेंज इन चिल्ड्रन एज्ड 6 to 14 नॉट एनरोल्ड इन स्कूल। 2020 में जितने स्टूडेंट्स, द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स विच वर नॉट एनरोल्ड इन द ईयर 2020 इज सेम इन द ईयर 2021। 2020 में और 2021 में नॉट एनरोल्ड जितने भी स्टूडेंट्स थे वो दोनों सेम है। सो देर हैज बिन नो डिक्लाइन एंड देर हैज बिन नो इंक्रीज, दोनों कुछ भी नहीं हुआ। 2020 और 21 का जो परसेंटेज है वो सेम है, दैट इज हाउ मच 4.6%। ठीक है, 4.6%। नाउ मोर ओल्डर चिल्ड्रन इन स्कूल देन एवर बिफोर, मतलब परसेंटेज ऑफ ओल्डर चिल्ड्रन विच आर एज्ड 15 टू 16 इन स्कूल हैज इंक्रीज्ड इन गवर्नमेंट स्कूल्स फ्रॉम 57.4% इन द ईयर 2018 टू 67.4% इन दिस ईयर 2021। ठीक है, एंड पॉइंट नंबर 4, दिस नेशनल लेवल इंक्रीज, दिस नेशनल लेवल स्विच फ्रॉम प्राइवेट स्कूल टू गवर्नमेंट स्कूल इज ड्यू टू the increase in enrollment in large states like Uttar Pradesh, Rajasthan, Punjab, Haryana and southern states like Maharashtra, Tamil Nadu, Kerala and Andhra Pradesh. Okay, but here you should remember this very important point that in many northeastern states, government school enrollment has fallen during this period and the proportion of children not enrolled in school has increased. Matlab, we have to focus on the towards the northeastern region. Wahan pe abhi bhi problem hai. जो नॉट एनरोल्ड स्टूडेंट्स का नंबर था, द नंबर ऑफ द परसेंटेज ऑफ नॉट एनरोल्ड स्टूडेंट्स इन स्कूल्स हैज बीन इंक्रीज्ड इन द नॉर्थ ईस्टर्न रीजन। एट द नेशनल लेवल इट इज सेम एज इन द ईयर 2020, दैट इज 4.6%, बट इन द नॉर्थ ईस्टर्न रीजन इट हैज बीन इंक्रीज्ड। मतलब नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में बच्चों के स्कूल छूटे हैं, अब चाहे वो कोई भी रीजन हो, फीस का रीजन हो, कोविड का रीजन हो, या कुछ भी रीजन हो सकता है। ठीक है, so we have to focus towards the northeastern region. One second. Yes, now let's move ahead to the second indicator, that is tuition. So across the country the percentage of children taking tuitions has risen in all states, sare states mein except Kerala. Very important question, exam mein definitely pucha ja sakta hai ye ki kaun se states mein percentage of students enrolled in tuition nahi bada hai, in which state the percentage of children taking tuition has not risen, the answer would be Kerala. So pure desh mein, sare pure desh mein the percentage of children taking tuitions has risen, theek hai, except Kerala.
and talking about it in percentage form, so at an all India level in the year 2018, less than 30% children took private tuition classes. But in the year 2021, this percentage is more than 40%. More than 40% हो गया ये, ठीक है? So इससे हमें पता चलता है कि जो, and इसका of course बहुत बड़ा reason यही है, the online classes. The teachers are not teaching properly in the online classes, through the online classes, and that's why there is a need of this private coaching centers or the private tuitions, right? Children whose parents are not highly educated and whose schools haven't opened yet are taking tuitions according to this ASER report 2021. Now moving ahead to the another important indicator, that is access to smartphones. Smartphone ownership has almost doubled since the year 2018, and thanks to COVID for this, because COVID अगर नहीं आता तो ये जो स्मार्टफोन का एक्सेस है वो नहीं बढ़ता, ठीक है? तो थोड़ा सा एक पॉजिटिविटी हमें कोविड से मिली है कि ऑनलाइन जो इकोसिस्टम है, जो डिजिटल इकोसिस्टम है, उसको बहुत बड़ा बूस्ट मिला है ड्यू टू कोविड 19. ऑफ कोर्स आई शुड नॉट से दैट कि ये कोविड की हमें थैंक्स देना चाहिए इस बात के लिए, बट यस, कभी कभी हमें ढूंढ लेना चाहिए थोड़ा बहुत पॉजिटिविटी. सो स्मार्टफोन ओनरशिप हैज ऑलमोस्ट डबल्ड सिंस द ईयर 2018. Availability increased from 36.5% in the year 2018 to 67.6% in the year 2021. ठीक है, तो almost double हो गया. 2018 में केवल 36.5% households के पास smartphone था, but in the year 2021 it has been increased to 67.6%. 79% of children enrolled in private school have access to smartphones in comparison to 63.7%. स्टडिंग इन दी गवर्नमेंट स्कूल, जो गवर्नमेंट स्कूल के बच्चे हैं उनके पास 63.7% के पास मोबाइल फोन का एक्सेस है, वाइल दिस परसेंटेज इज मोर इन द केस ऑफ स्टूडेंट्स स्टडिंग इन प्राइवेट स्कूल्स, एंड दिस परसेंटेज इज हाउ मच, 79%. ओके, नाउ मूविंग अहेड, स्मार्टफोन की अवेलेबिलिटी तो है बट उसका एक्सेस नहीं है. दिस रिपोर्ट ऑल्सो सेज दिस, 67.6% ऑफ एनरोल्ड चिल्ड्रन हैव स्मार्टफोन्स एट होम, but only 26.1% have access to it, depending on their class standard. Of course, first class के बच्चों को smartphone का access दे भी देंगे तो क्या ही कर लेगा. और ऐसा भी होता है कि अगर 10th class का कोई student है, उसको smartphone दिया पढ़ने के लिए, वो game खेलने लग गया. So that's why also parents जो है वो देते नहीं है जानबूझ के कि ये तो game खेलेगा, right? See, हमारे देश में ऐसा होता ही है कि use कम जानते हैं, हम misuse ज़्यादा जानते हैं. So उस misuse को रोकने के लिए parents ने अपने अपने बच्चों को नहीं दिया phone, ठीक है? So 67.6% of enrolled children have smartphones, but only 26.1% have the access to that smartphone. Household economic status makes a difference in smartphone availability. Of course. Availability of smartphone increases as the parents' education level increases. अब अगर मेरे parents को smartphone चलाना नहीं आता, तो मुझे कैसे सिखाएंगे smartphone चलाना, ठीक है? So education का level अगर increase हो रहा है, जैसे-जैसे smartphone की availability वैसे-वैसे बढ़ रही है according to this report. However, since March 2020, even among children whose parents are in the low education category, over a quarter bought a smartphone for their studies since March 2020. Because March 2020 के बाद ये एक मजबूरी बन गया था, अगर आपको पढ़ना है तो आपको मोबाइल फोन लेना ही पड़ेगा, क्योंकि ऑनलाइन क्लासेस तो फोन पे ही चलेंगी या लैपटॉप पे चलेंगी. लैपटॉप महंगा होता है, फोन सस्ता होता है. सो अब ये मजबूरी बन गया था मार्च 2020 के बाद, यस, दे हैव टू बाय अ स्मार्टफोन. नाउ लर्निंग सपोर्ट एट होम, देखो लर्निंग सपोर्ट जो है होम में, घरों में जो लर्निंग सपोर्ट है वो डिक्रीज हुआ है इन दिस ईयर 2021 एज कम्पेयर टू 2022, एंड दिस ऑफ कोर्स इज ड्यू टू द ओपनिंग ऑफ स्कूल्स, क्योंकि अब स्कूल खुल गए हैं. तो लर्निंग सपोर्ट जो पहले 2020 में था, ऑफ कोर्स उससे कम हुआ है, क्योंकि 2020 में पेरेंट्स सर पे चढ़े रहते थे कि पढ़ो. नाउ अब ये थोड़ा सा कम हो गया, बिकॉज अब बच्चे स्कूल जा रहे हैं, तो वहां पे भी उनको टीचर्स का सपोर्ट मिल रहा है और थोड़ा बहुत घर पे मिल रहा है. तो अगर हम ओवरऑल घर की बात करेंगे तो वो कम हो गया, इट हैज बीन डिक्रीज्ड. एक्सेस टू लर्निंग मटेरियल्स व्हिच इज द लास्ट इंडिकेटर, आई गेस, यस, दैट्स द लास्ट इंडिकेटर. ऑलमोस्ट ऑल चिल्ड्रन हैव टेक्स्टबुक इन द कंट्री, एंड अराउंड 91.9% स्टूडेंट्स हैव टेक्स्टबुक फॉर देयर करंट ग्रेड. पूरे देश में लगभग 92% स्टूडेंट्स के पास, चाहे वो किसी भी ग्रेड के हों, उनके पास टेक्स्टबुक है. 92.3% of students enrolled in government schools have access to textbooks, while in private school this percentage is 90.7%. So you can see
The percentage in private school is less than the percentage in government schools. Government school में कितना है ये 92.3%, while in private school it is 90.7%. Now 46.4% children in reopened school received learning materials or activities as compared to 39.8% children whose school had not reopened. जहाँ पे school reopen हो गए हैं वहाँ पे access to learning materials ज़्यादा है. Of course अगर मैं स्कूल जाऊंगा तो वहां पे लर्निंग मटेरियल का एक्सेस ज्यादा होगा. ठीक है, सो दैट परसेंटेज इज हाउ मच 46.4, व्हाइल द चिल्ड्रन जिनके स्कूल नहीं खुले हैं दैट परसेंटेज इज हाउ मच 39.8%. ऑलराइट, सो दैट्स इट गाइस. इससे ज्यादा इस रिपोर्ट में पढ़ने की जरूरत नहीं है. नाउ द बिग क्वेश्चन की अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि इतनी सारी चीज हम याद कैसे रखेंगे, इतने सारे परसेंटेजेस, इतनी सारी डेटा कैसे याद रखेंगे. सो जब भी इस तरीके का कोई सवाल मेरे से स्टूडेंट पूछता है तो आई हैव ओनली वन आंसर. And that one answer is revision. Keep revising it. Definitely आपको ये चीजें याद हो जाएंगी. Because अब इसमें कोई logic नहीं है, इसमें logic लगाना बड़ा मुश्किल है. ठीक है, because it is direct percentages. बहुत सारे इसमें percentages हैं तो you can't put any logic to this. So you have to remember it. Now अब remember करने के लिए, learn करने के लिए एक ही तरीका है, revise करते रहो. और एक बार वो अपने आप ही याद हो जाएगा. ठीक है, so that's it for the annual status of education report. Next week mein we will discuss that one report, that survey, national family health survey, the 5th. Uski baad hum next week mein karenge. Thank you so much for watching. Goodbye, take care and God bless.